अभी जो मणिपुर में ब्लॉकेज चल रहा है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ ट्राइपार्टाइट टॉक है, यूनाइटेड नागा काउंसिल के और मणिपुर सरकार और भारत सरकार गृह मंत्रालय की ओर से निमंत्रण दिया गया है, आज बातचीत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये मामला सुलझ जाए और मणिपुर में इतने 100 दिन तक का जो अभी ब्लॉकेज चल रहे हैं, उसको जल्दी से खोला जाए। लेकिन हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे वहाँ मौजूद हैं, आर्मी के, हमारा असम राइफल्स के सब लगे हुए हैं, और एक बार बातचीत हो करके अच्छी तरह सुलझ जाए तो कोई फोर्सेस का इस्तेमाल करना ना पड़े, क्योंकि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है कि रास्ता ब्लॉक हो और वहाँ खाने पीने का जो रोजमर्रे के जो चीज़ें हैं वो भी मिलना मुश्किल हो रहा है। नोबडी शुड ड्राइव पॉलिटिकल बेनिफिट्स आउट ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी। पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है सर स्टेट गवर्नमेंट से? रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन जितना काम करना चाहिए, जितना पहल करना चाहिए, राज्य सरकार की तरफ से पहल नहीं हुआ। लेकिन आज जो यहाँ ट्राइपार्टाइट टॉक हो रहे हैं, इससे लाभ होगा, और मैं अपने अधिकारियों को भी कहा है कि इसको किसी तरह से बात को अच्छी तरह से एक कंक्लूजन में लाए, ताकि निपट जाए कोई भी समस्या हो तो।